गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। आज है नवमी और नवमी के दिन हम लोग चलते हैं मंदिर। सुबह सुबह नहा धो के हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर। तो आज मतलब दशहरा का नौ दिन, मतलब आज नौवां दिन है। यहाँ पे मिठाई उठाई लेते हैं, लगभग समाप्त होने जा रहा है, कल होगी दशहरा। तो यहाँ पे हम लोग प्रसादी ले लेते हैं, मिठाई लेते हैं प्रसादी में, और चलते हैं माता का भवन। काली माता का ये मंदिर है आपका पास में ही, रेडमा चौक के पास। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, मतलब लगेगा शाम तक। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। तो हम लोग पूजा पाठ करके निकल चुके हैं और लगभग में आधा घंटा, मतलब एक घंटा तो लग ही गया, लगभग एक घंटा बिताते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एक जगह, मतलब मेरे को कुछ लेना होता है। उस लेने के बाद हम लोग फिर निकल जाते हैं घर के लिए। घर पहुंच जाते हैं और घर में आता है एक पार्सल, रिसीव करते हैं। ये रहा पार्सल। और आज जाना है घूमने के लिए भी। तो शाम हो गई है और अब हम लोग तैयार वैयार होकर, लगभग 6 बज रहे हैं और निकलते हैं, पहुँच जाते हैं। जस्ट आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग देखे होंगे, पिछला ब्लॉग तो देखे होंगे। ये है मस्त पंडाल है, ये बैरिया चौक का पंडाल है, मस्त दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि हम लोग को पैदल जाने में कम से कम 10-20 मिनट लग जाती है। तो यहाँ पे इतना सारा भीड़ आता है। नवमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर जगह पर, और हम लोग रूट में तो खासकर भीड़ होती है इस रूट में, बैरिया चौक इधर रेड़मा वगैरह, तो यहाँ पर भीड़ होती है। फिर हम लोग पहुँचते हैं अलग जगह, मतलब यहाँ पे पहुँचते हैं सुदना आपका ओवरब्रिज के पास हनुमान मंदिर है। वहाँ का ये मतलब दुर्गा माँ का पंडाल है। यहाँ पे प्रवचन वगैरह भी होता है, काफ़ी लोग भीड़ लगता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूरा सी स्टेज बना हुआ है, प्रवचन हो रही है बगल में। बहुत लोग नहीं है, बहुत मतलब कभी अभी मतलब शाम का टाइम है, लगभग में 6:30 बज रहे हैं। फिर पहुँचते हैं हम लोग कोयल नदी, दुर्गावाड़ी में। ज़्यादातर लगभग में दुर्गावाड़ी, ये बंगाली लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं और उन्हीं के वजह से रखाता है यहाँ पे। तो दुर्गावाड़ी में बहुत सुंदर मूर्ति है, आप लोग को दिखाते हैं वो किस तरह का मूर्ति है, किस तरह का नहीं। ये देखिए यहाँ पे खाने पीने का भी सामान पूरा एकदम बिकता है। तो यहाँ पे अलग अलग रूट बनाया गया है, लड़की का अलग, लड़का का अलग। यहाँ पर डांस वगैरह हो रहा है, तो अब यहाँ पर सब कोई मतलब जैसे होता है इस टाइप से दिखाते हैं आप लोग, किस टाइप से होता है, किस टाइप से लोग कर रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग पंडाल से बाहर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह का बैनर पोस्टर लगा, वहाँ आप लोग देख सकते हैं खाने पीने का आइटम लगा हुआ है। बाकी मतलब भव्य नज़ारा है यहाँ पे, दुर्गावाड़ी का अलग ही शो दिखता है आप लोग को। देखिए मेन गेट है, अंदर रखा जाता है ये भी, मतलब ज़्यादा बड़ा फील्ड टाइप से नहीं है, अंदर ही एक हॉल में सजाया जाता है काफ़ी। देखिए ये हॉल किस तरह का हॉल है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी होता है। बहुत मस्त जगह हमको लगा, मतलब मूर्ति भी आप लोग देखिए कितना सुंदर मूर्ति बनाया हुआ है। और अब हम लोग निकलते हैं, एक लगभग में भी यहाँ पे भी बहुत टाइम लगा, हम लोग प्रोग्राम वगैरह देखने लगे थे। उसके बाद पहुँचते हैं मार्केट, मार्केट में भी पंडाल, मतलब ये सब्जी मंडी है, ये इसको कुंभ महला भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब जगह है
वहाँ सब्जी मंडी का, तो वहाँ भी मस्त पंडाल लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाल समाज करके ये मतलब रखा गया है सब नाम इस जगह का। फिर आ जाते हैं हॉस्पिटल चौक और स्टूडेंट क्लब, ये हॉस्पिटल चौक के पास यहाँ पे, ये यहाँ पे मस्त बनाया है, रूल से बनाया हुआ पंडाल है, पूरा मस्त एकदम दिख रहा है, पूरा इतना मस्त दिख रहा है कि कहने लायक नहीं। लाइट थोड़ा सा इफेक्टिव है पूरा एकदम, उस वजह से थोड़ा सा मस्त दिख रहा है, ये दही रही दुर्गा माँ। और उसके बाद हम लोग, बहुत मतलब अच्छा लगता है देख के, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है आज के टाइम, इतना भीड़ है कि मतलब पैर रखने तक के भी टाइम नहीं है, जहाँ 5 मिनट में पहुँचने का वहाँ लगभग में आधा घंटा। फिर यहीं पे हॉस्पिटल चौक के पास ही एक शिव मंदिर है, वहाँ पे एक मूर्ति रखा है, परसल तो यहाँ पे भी बहुत शानदार था, इस बार भी शानदार है। देखिए इस तरह का पंडाल बना हुआ है, मस्त पंडाल दिख रहा है पूरा झक्कास। तो ये रहा दुर्गा जी का मूर्ति और काफ़ी भव्य नज़ारा, भीड़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा बागीचा टाइप से है, यहाँ पे सजाया हुआ था होता है बहुत कुछ, और अच्छा लगता है देख के, मज़ा आता है देखने को, बहुत कुछ रहता है। फिर हम लोग इसके बाद यहाँ पे लास्ट होता है, उसके बाद हम लोग निकलते हैं और फिर ये रहा कचहरी चौक को होते हुए हम लोग पहुँचते हैं फिर से रिड़मा, और रिड़मा मतलब पहुँच रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो रिड़मा पहुँचने के बाद पहुँचते हैं, एक होटल है मनपसंद, मैडम को भूख लग जाती है और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 9:30 बज गए, हम लोग 6:30 बजे से निकले हुए हैं, तो मन होता है भूख भी लग जाती है, मैडम बोले अब जाके खाना तो बनेगा नहीं, तो फिर हम लोग मंगा लेते हैं इतना बड़ा डोसा, बताइए इतना बड़ा डोसा मैडम खा लेंगी। तो खाना वाना खा लिए और फिर हम लोग निकलते हैं सामने देखने के लिए, सामने भी मतलब यहीं जस्ट बिजली ऑफिस आप लोग देखे होंगे, हम दिखाए थे तो जस्ट यहाँ भी नेक्स्ट मतलब पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, अब प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, तो दिखाते हैं आप लोग को प्रोग्राम किस टाइप से हो रहा है प्रोग्राम। अंधकार में काली में बोले सच्चा Oh!
गाइस हम लोग प्रोग्राम देख चुके हैं, प्रोग्राम में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी भीड़ भी था, इतना भीड़ था कि रोड पूरा जाम था। अभी थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा हम लोग आगे आए हैं, तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसा रहा नौमी, आप लोग को कौन सा पंडाल अच्छा लगा वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।